बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समअप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदरुस्त हों। जनाब, बॉलीवुड के खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार साहब, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वो खुद कहा करते हैं। अक्सर कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनते हैं, क्यों? क्योंकि साल में 4 से 5 फिल्में उनकी आती हैं और वो कहते हैं कि जनाब मैं पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ता चला जाए। अक्षय कुमार साहब मुसलमानों से दूरी बनाए रखते हैं और हिंदू इंतहा पसंदों के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। वो अपने मज़हब के हवाले से या इस्लाम के से दुश्मनी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर समझे जाते हैं। अब उनका एक ऐसा बयान निकल कर सामने आया है जो हैरत अंगेज तौर पर किसी फनकार की जानिब से निकल कर नहीं आना चाहिए था। और अगर यकीन जानिए, ये बयान किसी और ने बल्कि किसी मुसलमान ने दिया होता, सलमान खान ने, शाहरुख खान ने दिया होता या आमिर खान ने दिया होता, तो उसके खिलाफ तमाम हिंदू इंतहा पसंद इकट्ठे हो जाते और उनके खिलाफ मोर्चा निकालना शुरू कर देते और एक नई जंग का आगाज हो जाता। लेकिन ऐसा क्या बयान है जो कि अक्षय कुमार ने मुसलमानों के खिलाफ दिया है, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ दिया है और उसके बाद एक नई बहस का आगाज हो गया? और किसी अदाकार के शायान शान नहीं है ऐसा बयान, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो जनाब, वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और यकीन जानिए, अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो इस वीडियो के बाद आपके नजरियात में एक वाज़े तब्दीली आएगी। तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, मोदी की हुकूमत आने के बाद, भारत में जब से मोदी की हुकूमत आई है उसके आने के बाद से मस्जिदें गिराना, शहीद करना मस्जिदों को, वहाँ जहाँ मस्जिदें बनी हैं वहाँ पर हटा के वहाँ पर मंदिर बनाने की एक जो मुहिम चली थी वो ज़ोरों शोर से जारी है। अच्छा, मोदी के करीब कुछ हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी आते हैं। वो मोदी ने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई मैं बॉलीवुड को अपने साथ लेके चलूँ, तमाम लोगों को इन्वाइट करते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, ये तमाम चीज़ें करते हैं, इंटरव्यूज़ भी जो देते हैं ना वो बॉलीवुड के मनपसंद अदाकारों को देते हैं। अब जनाब हुआ ये, एक मस्जिद है जनाब और उस मस्जिद का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मैं माजरत करूँगा आपसे, लेकिन ये ज्ञानवापी मस्जिद है और ये बहुत कदीम मस्जिद है। 1669 में इसको उस वक्त के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाया था। अच्छा जी, ये मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की एक मुहिम मोदी सरकार के आने के बाद से ज़ोरों शोर से जारी। और ये पहला मौका ऐसा नहीं है, आपको बाबरी मस्जिद भी याद होगी, ठीक है। अब होता क्या है, भारत के अंदर एक नया शोशा छोड़ दिया गया है कि जो मुसलमानों की ज़मीन होती है, जो मस्जिद होती है, वहाँ पर हिंदू इंतहा पसंद जो होते हैं वो जाके सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद वहाँ से पता नहीं कौन सी मूर्ति निकाल देते हैं, और जब मूर्ति निकालते हैं तो कहते हैं भाई यहाँ तो मंदिर बनेगा, और जो वहाँ पर अगर मस्जिद बनी हुई होती है तो फिर मस्जिद को गिराने की बातें शुरू कर दी जाती हैं। ये भारत के अंदर एक घिनौना खेल मोदी के बरसरे इक्तदार आने के बाद से चलता चला रहा है। लेकिन ये एक अलग झगड़ा, ये अलग बहस है, ये सियासत की बात है, ये फिरकावारियत की बात है, मुसलमान और हिंदुओं का एक अलग मामला है जो कि इसको लड़ रहा है। लेकिन इसमें फनकार हमेशा से न्यूट्रल रहे, फनकारों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आज अक्षय कुमार साहब ने एक ऐसा घटिया बयान दिया है जिसके बाद उनके अंदर जो मुसलमान दुश्मनी है, जो इस्लाम दुश्मनी है, वो निकल निकल कर बाहर आ रही है। मामला क्या जनाब, मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद ये जनाब बनारस में है, उत्तर प्रदेश यूपी में है, और 1669 में तामीर की गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये औरंगज़ेब बादशाह ने बनाई थी। अब जनाब रिसेंटली यहाँ पर सर्वे किया गया हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से और वजू खाने के पास से जनाब शिवलिंग बरामद किया गया। अभी शिवलिंग क्या है भाई, ये जो हिंदू इनका एक होता है शिव, ये हिंदू है इनका। अब लिंग के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, नाम से आप समझ सकते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, वो ब्लैक कलर का होता है, उसकी पूजा करते हैं। भारत में तो हर चीज़ की पूजा की जाती है, उस पर दूध भी डाल रहे होते हैं और कहते हैं कि जनाब दुनिया बनी इससे। अब आप मेरे जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, शिव लिंग, आप अंदाज़ा लगा लें कि वो इंसान का कौन सा जिस्म का हिस्सा होगा, उसकी भी पूजा करते हैं। वो बरामद हो गया। अब जब बरामद हो गया तो इस हिस्से को उन्होंने सील कर दिया, बंद कर दिया उस हिस्से को। अब अक्षय कुमार की जानिब से सारा जो मामला है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है, अक्षय कुमार की जानिब से एक ऐसा घटिया बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि जनाब जो पिक्चर्स मेरे पास आई हैं, जो मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ, अब इसके बारे में तो खैर हुकूमत या आसार कदीमा वाले जो महकमा है वही बता सकता है कि ये असल चीज़ है क्या जो वहाँ से बरामद हुआ है। लेकिन जो बरामद हुआ है और जो मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ, मेरी राय के मुताबिक जनाब ये तो शिवलिंग है। ये अक्षय कुमार साहब कह रहे हैं।
अच्छा, ये अक्षय कुमार साहब की अपनी जाती राय नहीं है, बल्कि अक्षय कुमार के हवाले से ये बात कहलवाई गई है, ये बात बुलवाई गई है, ये बताया गया है कि आप लोगों का माइंड सेट करें, माइंड वॉश करें, ब्रेन वॉश करें और इस तरह से ये बात बोलें। वरना अक्षय कुमार जिस बंदे को साल में 6 फिल्में करनी होती हैं, जो अपने फिटनेस की वजह से पूरी दुनिया में बोलता फिरता है कि मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके पास आपको लगता है इतना टाइम होगा कोई ये करे, ये तमाम बातें करे, वह सारे कदमी कदीमा की चीज़ें देखता फिरे। अब एक और चीज़ सुनिए आप, क्यों बुलवाया गया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कपिल शर्मा शो में अक्षय कुमार साहब को बुलाया गया और उसमें कपिल शर्मा और अक्षय कुमार की लड़ाई हो गई, लेकिन ये ऑन स्क्रीन नहीं हुई, ऑफ स्क्रीन हुई। ठीक है, अक्षय कुमार से सवाल कर दिया कि भाई कि अर्चना का सवाल है, अक्सर कपिल शर्मा का ये अंदाज होता है, वो इंतहाई बेवकूफाना सवाल ना किसी और पर रख के करते हैं, उनका कॉन्टेंट है। अक्षय कुमार ने कहा भाई तुम ऐसा हरकतें क्यों करते हो कि अर्चना का सवाल है, बच्चे का सवाल है, इसका सवाल है, उसका सवाल है, जो सवाल तुम्हारा होता है अपने नाम से पूछा करो। अच्छा, कपिल शर्मा भी हाजिर दिमागी में किसी में उनका सानी तो है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब आपने भी तो एक मशहूर शख्सियत का इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था कि आपके ड्राइवर का बच्चा ये कहता है कि आप आम चूस के खाते हैं। ये बात कपिल शर्मा ने उनको बोली। अब ये बात अक्षय कुमार हजम तो कर गए उस वक्त, लेकिन बाद में उन्होंने अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा को बोला कि भाई यार ये क्लिप कटवा देना और ये ऑन एयर नहीं करना, क्योंकि वो मशहूर शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मोदी, और मोदी के साथ मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं नहीं चाहता कि ये टर्म्स ख़राब हों, क्योंकि मोदी ने अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया था। अक्षय कुमार का इंटरव्यू से क्या ताल्लुक है, वो बॉलीवुड स्टार है, इंटरव्यू सेलेब्रिटीज़ को नहीं बल्कि मीडिया पर्सन को दिया जाता है, लेकिन खैर उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। अब जनाब हुआ क्या, कपिल शर्मा का एक यूट्यूब चैनल है, अब वो जो भी कंटेंट ऑन एयर जाता है ना उसको तो वो अपने क्लिप्स नहीं डालते यूट्यूब चैनल में, लेकिन जो चीज़ नहीं जाती, जिसको हम कहते हैं कि आपने ऐसे सीन होते हैं जो कि आपने देखे नहीं होते, ऑन एयर नहीं होते, वो क्लिप कटवाते हैं और यूट्यूब पर डाल देते हैं। अब इन्होंने ये क्लिप ऑन एयर तो नहीं किया अक्षय कुमार वाला, लेकिन उन्होंने ये क्लिप कटवाया और अपने यूट्यूब पर डाल दिया, उसके मिलियन व्यूज़ आ गए। जब मिलियन व्यूज़ आ गए तो अक्षय कुमार और इन दोनों के दरमियान, कपिल शर्मा के दरमियान झगड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि यार तुमने ये बहुत ही बेहुदा हरकत की है, तुमने मोदी के सामने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की है और ये इंतहाई गलत हरकत है। अक्षय कुमार पर मोदी का इतना असर है, या वो मौजूदा हुकूमत के इतने ज़ेरे असर हैं, या वो टिपिकली ये बात कह दें कि जनाब वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादातर एक्टर्स बनते चले जा रहे हैं, ये जो एक्टर्स हैं वो पॉलिटिशियन बनते चले जा रहे हैं, ये सारा मामला हुआ है। और उन्होंने एक तरीके से ये बयान दे के उस मस्जिद को गिराने के हवाले से अपनी सिंपथी जाहिर नहीं की है बल्कि अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। जनाब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, जिंदगी रही, सेहत रही, आपसे फिर मुलाकात हो, अल्लाह हाफिज़।